अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो देखिए, हम लोगों ने रूम शिफ्टिंग की थी, तो मैं ये छोटा छोटा सामान निकाल रही हूँ जो कि मतलब कि पन्नी वगैरह पॉलीथीन वगैरह में आई थी पैक होकर, तो वो मैं निकाल रही हूँ और ये धीरे धीरे सब मैं निकाल लूँगी। और सब क्योंकि हम लोगों ने इसी में भर दिया था और इतने टाइम से ये ऐसे ही रखा था। देखिए, आप देख ही रहे होंगे, सब सामने फैला पड़ा है। तो वही मैंने कहा, आज इनके डैडी की भी छुट्टी है तो मैं मतलब ड्रिल मशीन वाले से ड्रिल मशीन वगैरह करा, मतलब होल करा कर और स्टैंड वगैरह लगा देंगे बर्तन का। और ये अब्दुल्ला हमाद के बेड हैं, अब्दुल्ला हमाद बेड है ये इनकी दादी यहाँ रहते हैं, उन्होंने दिए थे इनकी बर्थडे में। तब तक ये छोटे थे तो मैंने ये रख दिए थे, संगवा दिए थे। अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो बच्चे लोग आराम से गैलरी में खेल सकते हैं, नीचे जाकर बैट बॉल खेल सकते हैं। तो अब्दुल्ला ये जोड़ रहे हैं, देखिए अब्दुल्ला, इसको मैंने किया था ये क्योंकि इनके चोट लगने का डर था। मलिहा बैड ले रही हैं। तो बच्चे ना सोच रहे हैं कुछ खिलौना निकलेगा, लेकिन इसमें ये बलून के लिए हैं, बर्थडे वगैरह में बलून के लिए, तो वो है। और देखें, हटो हटो जल्दी। तो वही अभी देखिए, अभी इसमें होम थिएटर था, मतलब हम लोग नवाज शरीफ वगैरह लगा लिए करते थे। तो अभी हम लोग ने जब पहले रूम शिफ्टिंग हुआ था ना हमारा, तो हमने ये रूम में चली गई थी दिल्ली, तो ये रह गया था। तो इसका जो मेन है स्पीकर यही है, और जो था तो होम थिएटर, तो वो इन्होंने मतलब जो इनके दोस्त वगैरह हैं उनको दे दिया था। अब उन्होंने एक स्पीकर रोक कर और वो यूज़ करते हैं। सिर्फ मेरे पास ये तीन स्पीकर हैं और कुछ नहीं है, तो मैंने कहा जाने दीजिए, वो यूज़ करें, हम यूज़ करें, एक ही बात है। तो न्यू है बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है। तो ये अब सब सामान अब मेरे किस काम का, मैं इनको बोलती हूँ ये भी ले जाइए, तो मैं निकाल रही हूँ देने के लिए। और ये अब्दुल्ला ने ज्वाइन कर दिया है, तो देखिए हम आते लेकर खड़े हैं। तो अभी मैं रूम की अच्छी कर, अच्छे से रूम की अच्छा हो जाएगा, वहाँ पर फैला पड़ा था सब सेट हो जाएगा सामान, तो मैं निकाल रही हूँ। और ये हम लोग पीछे इसके गेट के पीछे लगाने के लिए क्लिप लाए थे, वो भी हैं हैंगर, देखिए। तो अभी ड्रिल मशीन वाले आएंगे, ड्रिल होल करेंगे तो सब सामान लग जाएगा। ये बाथरूम का सामान है, मलिहा चीख रही है, और बाकी तो सब रख ही रही हूँ मैं, धीरे धीरे सब संगवा रही हूँ। देखिए मैं, देखिए मैंने मेहंदी लगाई थी रात में, देखिए। हाँ बताइए, मैं ऐसी साड़ी भी मेहंदी लगा लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सही है काम चलाओ। तो अभी मैं बस रख रही हूँ सामान, तो ये तो इसी में रख देती हूँ, ये ऐसे ही चले जाएंगे, क्या फ़ायदा है मैं स्पीकर रख कर फोकट में यहाँ पर फैलावा करूँ, वहाँ तो लोग यूज़ कर लेंगे, जेंट्स लोग हैं आराम से। और ये मेरी कबर्ड है, मैं आपको कबर्ड भी दिखाऊँगी। इसके सारे गंदे हो गए, इसको धुलना है। और ये बच्चे लोग की टॉय कबर्ड थी, मतलब ये टॉय वगैरह रखते थे, अभी गंदे हो गए क्योंकि रखा था काफ़ी टाइम से। और इसमें कबर्ड भी देखो, कपड़ा सब दिख रहा होगा आपको, तो इसमें है। तो इसको मैं नहीं छूँगी, इसको सिर्फ ये धुलेंगे, धुलने के बाद जॉइंट होगी। जॉइंट होने के बाद बच्चे इसमें जो भी रखेंगे रखेंगे, कपड़े खिलौने जो भी रखना चाहें। और मैं ये सब संगवा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। और गलती हो गई कि ट्राईपॉड मेरा यहीं किसी सामान में रखा गया है और मैं अच्छे से मोबाइल नहीं पकड़ पा रही हूँ। ये मेरे मेकअप का सामान देखिए ना, कितनी इसकी ख़राब हालत हो गई है, ये बॉक्स में से बाहर आ गया है। और ये सब यही सामान निकाल रही हूँ। तो ठीक है, मैं अभी इतने सामान सेट कर लेती हूँ, फिर थोड़ा बीच में ब्लॉग आपको दिखाऊँगी। इतने में ये सब सामान निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं ऐसे नहीं बना पाऊँगी आपको दिखाते हुए वीडियो। अगर मैं आप वीडियो बनाऊंगी तो मैं अपना सामान सेट नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए देखिए बच्चों को खिलौने भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कितने सारे सब इसी में हम लोग जब आए थे तो हम लोग भरकर लाए थे, जो फैन वगैरह, ये मेरा चूल्हा है, दूसरा वाला स्टील वाला गैस चूल्हा, तो वो है। और बाकी तो स्पाइडरमैन भी किया, तो मैं पहले सामान सेट कर लेती हूँ, बाद में आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया और सामान कैसे सेट किया, हुआ कि नहीं हुआ वो भी दिखाऊंगी, ठीक है? आप हमारे साथ बने रहें व्लॉग में। और हम आज भी देखिए, अभी ये अगर मैं इनको नहीं रोकूंगी ना तो ये खिलाते रहेंगे, तो इसलिए मैं व्लॉग को
बीच में रोक रही हूँ, और जब ये सब सामान निकालूँ तो आपसे दोबारा शेयर करूँगी, ठीक है? तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, मैंने अब ये ट्राइपॉड ढूंढ लिया है और मैंने सोचा अब मैं बना लेती हूँ वीडियो, तो मैं सामान निकालती जाऊँगी और बताती हूँ। तो मेरे चूना वाला चूल्हा है, गैस चूल्हा तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो वो ये है, वो अभी देखिए ना कैसा सीधा डाले हैं, इन्होंने सब सामान डाल रखा है। तो ये सब मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा सामान बिखरा हुआ था, अब ये साफ करके सेट कर दूँगी। घर मलिया की कैट रखी थी, मैंने कहा ये मेरी चूड़ियाँ हैं, शायद क्या है ये मैं जरूर रखती हूँ क्योंकि कहीं कॉकरोच वगैरह आए तो ये बेस्ट रहते हैं। तो वो है, और बाकी ये दिल वगैरह हैं, दिल तो ये वो हैं, तो मैं ये भी रख देती हूँ। ये बच्चे लोग का पाउडर वगैरह है, तो देखिए ना कितना गंदा सड़ा सकते हैं। देखिए, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं शायद दूसरा मतलब सेकंड कट कर दूँ। वो ये प्लेट्स हैं इसकी छोटी छोटी, चूल्हे के स्टैंड तक कहिए रहे, और इसमें मेरी शायद मेडिसिन वगैरह हैं, और अब्दुल्ला का ओल्ड वाला आई कार्ड, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये मेरी मेडिसिन हैं जो ऑनलाइन थी, और ये बर्थडे का सामान देखे ना, यूज़ करेगा इसे सड़ेले को, क्या कर दिया बच्चों ने, लाइए मैं बच्चों को एक एक कदम दे देती हूँ उसमें। अभी हम लोग फट गई सब, बड़ा अजीब सा हो जाता है रूम खाली करना और उसे सेट करना, तो भारी हो जाता है। तो देखिए ये तो कैसा है, अभी बलून निकाल देती हूँ। अब्दुल्ला हमार बलून दूँ आपको, बलून दे देती हूँ, ग्रीन नहीं है, ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक एंड गोल्ड गोल्डन है, तो ये गोल्डन का, तो ये देखिए मैं थोड़ा खा रही हूँ गोल्डन गोल्डन रखा है, गोल्डन गोल्डन। तो ये देखिए बलून दे रही है, मलिहा भी बोल रही है बलून के लिए। देखो बच्चे ने ना आगे से तोड़ दिए, ये बच्चे हमारे बहुत खराब है, ये वैसे बच्चे वो देखें बच्चे को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं क्योंकि बड़ा ही डर है फटने का, काफ़ी है ना, मलिया का तैयार हो गया है। तो ये लोग मलिया के लिए कर दिया है, और अब्दुल्ला को चाहिए गोल्डन कलर का, तो मैं इसको गोल्डन देती हूँ। अब्दुल्ला का रेडी हो रहा है, अब्दुल्ला का रेडी हो रहा है, अब्दुल्ला का और कर दूँगी ज़्यादा। मलिया कह रही डंडन, ये अब्दुल्ला हम हाथ को कौन सा चाहिए, ब्लैक या गोल्ड? ब्लैक चाहिए गोल्डन? हम हाथ को ब्लैक चाहिए, हम हाथ अच्छा बच्चा है ना, उसको कलर वाला पसंद है। तो ये देखें ये मलिहा के ना सस्पेंड लग गया, हम आपको भी ज़्यादा बड़ा नहीं करके दूंगी, इतना ही काफ़ी है, हम आज लीजिए, हम आज सामान नहीं उतारिए। तो ये देखिए मक्का भी रेडी हो चुका है, देख मलिया अपना मलिया का देखिए, सब मलिया का देखिए, मलिया कैसा है बाउंड, हमाद का देखिए ना, हमाद क्या कर रहा है, ये देखें हमाद
अभी सब सामान की तरह पड़ा है ना, सब सही हो जाएगा, क्लीन क्लीन हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोगों का सारा सामान निमट चुका है और हम आए हैं नीचे क्योंकि बच्चे लोग खेलने के लिए बोल रहे थे और ऊपर बैठे बैठे सारा दिन हो गया लगे लगे काम में, मतलब सब निपटाते निपटाते। तो हमने कहा चलो अभी थोड़ा रात हुई है तो ईशा का टाइम है, हम लोग आए अब ऊपर जाकर नमाज तभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग आए नमाज़ गिर गई, अभी ये बच्चे लोग खेलेंगे फिर थोड़ा सा इनको मतलब ये थोड़ा सुकून हो जाएंगे। इनका दिल कर रहा था बोले मम्मी नीचे चल रहा है, मम्मी नीचे चल रहा है, तो इनके डैडी गए नमाज़ पढ़ने के लिए और हम आए हैं इधर। तो ठीक है आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, लाइक कीजिएगा वीडियो को।